हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए यहाँ पे आपकी वर्कशीट पे एमसीक्यूज पे फोकस किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब आप स्कूल से वापस आते हो, चैप्टर आपने पढ़ा, एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए, वर्कशीट आपने सॉल्व की, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप एग्जाम दोगे तो आप बाकी बच्चों से बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है। तो इन प्रैक्टिस के लिए आपसे वर्कशीट कराई जा रही है, तो वीडियो को देखने के साथ साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। तो ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि जो सही ऑप्शन है उस पर राइट का टिक करना है। किस स्थान का तिलकुट प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मनेर का, बढ़िया का, गया का या सिलाव का। तो इसका आंसर क्या होगा? गया का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? देश भर में फसलों से जुड़े त्यौहार कब मनाए जाते हैं? देखिए पूरे इंडिया में फसलों से जुड़े फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो वो आपसे पूछा है कि कब मनाए जाते हैं। फरवरी और मार्च में, जनवरी से अप्रैल तक, नवंबर और दिसंबर में, जुलाई से सितंबर तक। तो इसका आंसर क्या होगा? जनवरी से अप्रैल तक। सरहुल का जश्न कितने दिनों तक चलता है? 2 दिनों तक, 3 दिनों तक, 5 दिनों तक, 4 दिनों तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 दिनों तक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल बनाते समय मटके के मुंह के चारों और ऊपर क्या बांधा जाता है? देखिए पोंगल बनाते हैं, मटका होता है, उसके चारों तरफ मुंह में क्या बांधा जाता है? साबुत हल्दी, साबुत अदरक, गेहूं की बालियां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें क्या बांधा जाता है? साबुत हल्दी। पाठ में किस ऋतु के त्यौहार का वर्णन है? क्या वो सर्दी की बात कर रहा है, गर्मी ऋतु में मनाया जाता है, वर्षा या फिर बसंत ऋतु में? तो ये जो सारे फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, वो कब मनाए जाते हैं? सर्दी की ऋतु में। तमिलनाडु में खिचड़ी का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में खिचड़ी का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है? खिचड़ी, सरहुल, पोंगल या फिर मकर संक्रांति। तो बच्चों इसका आंसर तो क्या होगा, जल्दी से सोच के बताइए। इसका आंसर होगा पोंगल। गुजरात में पतंगे किस त्योहार पर उड़ाई जाती है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति या दशहरा। तो इसका आंसर क्या होगा? मकर संक्रांति। ये हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? जनवरी के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े सभी त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं। तो अभी अभी हम पढ़ के आए कि फसलों के त्यौहार कब मनाए जा रहे हैं? जनवरी से अप्रैल तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारा गलत। सरहुल के अवसर पर तीसरे दिन कानों में सरई का फूल पहना जाता है। तो ये तो करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा राइट। पोंगल बनाने के लिए मटके को धूप में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, मटके को धूप में रखा जाता है, फिर धूप की वजह से उसमें उबाल आता है, और जब उबाल आकर चावल बाहर निकलते हैं तो सब क्या बोलते हैं? पोंगल, 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 पोंगल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंगों से आसमान ढकसा जाता है। तो देखिए गुजरात में तो पतंगे उड़ाई जाती है मकर संक्रांति के टाइम, और इतनी सारी पतंगे उड़ाई जाती है कि ऐसा लगता है कि आसमान पूरा ढकसा गया है। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर दान दिया जाता है। क्या पूछ रहा है? मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर दान किया जाता है? नहीं बेटा, पानी में तिल डालकर दान नहीं किया जाता है, पानी में तिल डालकर नहाया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। मचिया पर खादी की काली साड़ी पहने दादी बैठी थी। देखिए मचिया पे दादी जरूर बैठी थी, लेकिन उन्होंने काली साड़ी नहीं पहनी थी, उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत। अभी आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ राज्य दे रखा है, दूसरी तरफ आपके फसलों के त्यौहार दे रखे हैं कि किस राज्य में फसल के त्यौहार को क्या कहा जाता है। और इस टाइप का आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बिहार में क्या कहा जाता है फसल के त्यौहार को? क्या उसको पोंगल कहा जाता है, लोहड़ी कहा जाता है, तिल संक्रांति कहा जाता है, या फिर ओणम कहा जाता है, पतंग का पर्व कहा जाता है, बिहू कहा जाता है, मकर संक्रांति कहा जाता है, घुघुतिया कहा जाता है, या फिर सरहुल कहा जाता है? तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से इनको मैच कीजिए, फिर इसका आंसर मुझे बताइए। देखिए बिहार में क्या कहा जाता है? तिल संक्रांति। असम में क्या कहेगा? बिहू। केरल में क्या कहा जाएगा? ओणम। तमिलनाडु में क्या कहा जाता है? पोंगल। पंजाब में लोहड़ी। झारखंड में क्या कहा जाएगा? सरहुल। गुजरात में पतंग का पर्व, क्योंकि अपन ने भी पढ़ा है कि पतंगे इतनी ज्यादा उड़ाई जाती हैं कि आसमान ढक सा जाता है। यूपी में क्या कहा जाता है? मकर संक्रांति। और कुमाऊं में क्या कहा जाता है? घुघुतिया। वीडियो को पॉज कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए। पहला क्या है? बोरसी। बोरसी का मतलब क्या होता है? अंगीठी। आप देख सकते हैं फोटो में, ये अंगीठी है जिसमें आग जला के खाना पकाया जाता है, चूल्हे की तरह होती है। सैलाब का मतलब क्या होता है? भीड़। फरमाइशी मतलब मनपसंद। हांकना मतलब क्या होता है?
जोर से बोलकर किसी को पुकारना, जैसे हम किसी को जोर से आवाज देके बुलाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम हाँक। दाड़िम का मतलब क्या होता है, अनार, और चापाकल का मतलब क्या होता है, हैंडपम्प। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए आप यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आप कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है कि किस लाइन में, किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आएगा। गुरुजी विमला दिद्दा आनंद जी व झिलमिट भैया डैश बने चूल्हे पर खिचड़ी बनाते थे। इसमें आप बताइए कि क्या आएगा, क्या इसमें सैलाब आएगा, खिचड़ी आएगा, प्रकृति आएगा, पक्षियों आएगा, पतंगों, नए ईंट के, अंदाजा, फरमाइशी, फसलों। सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आएगा ईंट के। आदिवासी आम तौर पर डैश की पूजा करते हैं। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, प्रकृति की पूजा करते हैं। पोंगल में डैश धान कूट कर चावल निकाला जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, नए धान कूट कर चावल निकाला जाता है। गुजरात में डैश के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। तो क्या आएगा, पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा माना जाता है। घुघुतिया, जो कि हमने पढ़ा था कि कुमाऊं का एक फसल का त्योहार है, में बच्चे माला से पकवान तोड़कर डैश को खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं, पक्षियों को। नेक्स्ट है, बाहर देखने के से समय का डैश बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंदाजा। अप्पी दिदिया का डैश नाश्ता नहीं मिला। तो क्या आएगा, फरमाइशी। मतलब हमने क्या पढ़ा था इसका, फरमाइश का मतलब क्या होता है, मन पसंद नाश्ता नहीं मिला। 14 जनवरी को भारत के लगभग सभी प्रांतों में डैश से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे, फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। लोगों का डैश नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। क्या, सैलाब। वैसी डैश फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। क्या आएगा यहाँ पे, वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। इसमें पैराग्राफ को पढ़कर आंसर देना है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ों की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। तो आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया है। अब नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सरहुल में नाचने गाने के दौरान क्या वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सरहुल में नाचने गाने के दौरान ढोल मंजीरे प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल के दिन किस पेड़ की पूजा की जाती है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सरहुल के दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल में घरों के सामने लोग किस प्रकार से नृत्य करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सरहुल में घरों के सामने लोग एक पंक्ति में, मतलब एक लाइन बना ली, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने फसलों के त्यौहार की वर्कशीट सॉल्व की। आप कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक एंड हैव अ गुड डे।